नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस फेसबुक पेज ईश्वर भक्ति नेगी पर हार्दिक स्वागत है। हाल ही में आपने हमारी लाइव वीडियोस देखी थी गुम्मा से, कोटखाई से, कि हमने वहां बताया था कि हम 2 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की महिलाएं आई थी। हम आपको ये बता दें, गुम्मा है वहां पर हिम ईरा प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है महिलाओं का। जी हाँ, नारी उत्कर्ष DLF डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है जिसका नाम है नारी उत्कर्ष। तो उस यूनिट के अंदर कई सारी महिलाएं ऐसे काम कर रही हैं जिसे आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। हमारा उस जगह पर ट्रेनिंग होना और उस यूनिट को दिखाना भी एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा था कि आज महिलाएँ समूह में जुड़कर जो है DLF लेवल तक जाकर क्या क्या कार्य कर रही है। तो चलिए जानते हैं महिलाओं से कि किस तरह के यहाँ मशीनें हैं और उसमें किस किस तरह से काम करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम ईशा है, मैं 15 अक्टूबर 2023 यहाँ पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे सारी SHG की महिलाएं काम कर रही है। तो मैं इस मशीन के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। ये है हमारे गेहूं, जौ और रेड राइस छानने की मशीन है। इसको हम सबसे पहले यहाँ से ऑन करेंगे, फिर ग्रीन बटन ऑन करेंगे और जो भी हमने छानना है, जैसे हम जौ छान रहे तो हम यहाँ से इसको डालेंगे और हमारा छन के यहाँ से हमारा डस्ट निकलेगा और यहाँ से हमारा जो छोटे छोटे इसके पीसेज होंगे वो यहाँ से निकलेंगे, जो हमारा अच्छा मटेरियल होगा वो यहाँ से हमारा बाहर निकलेगा। और नेक्स्ट है हमारा जी ग्रेडिंग मशीन, इसको यहाँ से हम ऑन करेंगे। ये हमारे जैसे राजमा, काले चने, मक्की आदि ग्रेड करने की मशीन है। इससे हमारा यहाँ से ए ग्रेड का मटेरियल निकलेगा, यहाँ से हमारा बी ग्रेड का निकलेगा और यहाँ से हमारा सी ग्रेड का निकलेगा। और अगर हम इसमें माश आदि कुछ भी ग्रेड करना चाहते हैं तो हम इसमें छन्नी चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है। थैंक यू जी। मेरा नाम प्रिया है, मैं यहाँ पे 15 अक्टूबर 2023 से काम कर रही हूँ। मैं आज आपको हनी की मशीन के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे हनी डालेंगे और फिर जाके हम ये वाला बटन ऑन करेंगे, फिर यहाँ से ऑन करेंगे, फिर जाके हम यहाँ पे ये वाला बटन ऑन करेंगे, फिर ये रेड बटन को प्रेस करेंगे, फिर जाके जो है हम यहाँ पे ये सेटिंग करेंगे। हमने जितने का जार भरना है, जैसे 140 ml का, 200 ml का, तो हम यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे और फिर जाके यहाँ से पुश करेंगे और यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली प्योरीफाई होके आ जाएगा। अगर हमने ये पुश भी ना करना हो तो यहाँ से जो है हमने सेटिंग करके ये फिर यहाँ पे ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। मेरा नाम शर्मिला है और हम DLF से जुड़ी है पहले से, फिर 15 अक्टूबर 2023 को DLF में काम कर रहे हैं। ये है हमारी, यह है सारा यूनिट है, पिसाई यूनिट। हाँ जी, यहाँ पे जो भी आता है मटेरियल उसको पीसते हैं हम। इसमें जैसे गेहूँ डालेंगे, हम गेहूँ का दलिया बनाना होगा, फिर यहाँ पे पहले डोर लगाएंगे और यहाँ से ओपन करेंगे इसको, फिर यहाँ से चालू करेंगे और फिर यहाँ टेम्परेचर होगा। इससे सुइया हमारी लो पे चढ़नी चाहिए, अगर ओवर हो जाएगी तो मशीन बंद हो जाएगी कुदरत और वहाँ से पीस के नीचे आ जाएगा, वहाँ डोर लगाएंगे। इसमें हम पीसते हैं जॉब, ये जो ऑफिस की वो भी ऐसे हम चालू करेंगे पहले यहाँ से, फिर वहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से ये वाला बटन है जो है वो भी है, ये सिस्टम इसको घुमाना है। और नॉर्मल पे हमारी मशीन होनी चाहिए, रेड लाइट पे जाएगी तो वो खराब हो जाएगी या बंद हो जाएगी। हाँ जी, और इसमें पिसते हैं कोदा, ये कोदे पिसने की, इसमें भी यहाँ कपड़ा लगाएंगे पहले, फिर डोल लगाएंगे और चाली बदल देंगे, जैसे कोदा होता है ब्रीक में एक नंबर की चाली उसमें डलेगी। और ये हमारे अगला है जैसे यहाँ हल्दी रखी है हमने, हल्दी पहले इसको ओपन करेंगे यहाँ से, हल्दी अदरक लहसुन एप्पल भी हम इसमें काट सकते हैं, यहाँ से डालेंगे। एक लेडीज यहाँ खड़ी रहेगी, क्रेट में होगा एप्पल होगी चाहे हल्दी होगी, उसको हम इसमें डालेंगे, फिर यहाँ एक क्रेट होगी उसमें आगे कट पीस आएंगे। यहाँ के बाद वो जो कटेगे कट पीस होगा वो इधर को जाएगा, हमारा छोटा ड्रायर है इसमें डालेंगे, छोटे में ना कम होगा तो इसमें हम उसको सुखाएंगे, छोटा माने से अदरक और हल्दी होगी, लहसुन भी उसका पाउडर बना देंगे, लहसुन का भी हल्दी का भी और अदरक का भी सूप बोलते हैं इसको। उसके बाद हम इसमें पिस्ते भी डालेंगे, तो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए वो। पहले इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, फिर ये ग्रीन बटन है तो उसको ऑन करके फिर हमारी मशीन चालू हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें जाली डालेंगे, यहाँ पे जाली होगी हमारी टीम मेंबर की, उसको डालेंगे, फिर इसको बंद करेंगे हम यहाँ से, इधर से सिक्योरिटी साइड ना वहाँ से बंद करेंगे इसको, ऊपर से मटेरियल डालेंगे यहाँ
मीटर तक डाली हम फुल भर दिया और एक मिनट से यहाँ पे खड़ी रहेगी और डालती रहेगी जो लगा वाली मशीन है जैसे प्रोग्रेस निकालने का। हाँ जी तो इसमें पिसाई होगी फिर वहाँ हो जाएगा वहाँ हवा भरती है पीछे को यहाँ डोर लगा है और फिर हमारा ना आएगा। इसके बाद हम इस सारे मटेरियल को पैकेज यूनिट में भेजेंगे जी पैकेज हमारा बाहर होता है। थैंक यू मैम। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है उसको पैक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, लेबल एंड पैकिंग ये दोनों बहुत अनिवार्य चीज़ है। हमारे पास प्रोडक्ट तो है लेकिन हमको उसको बाज़ार स्तर पर लाने के लिए उसको पैक करना पड़ता है, उसकी लेबलिंग करनी पड़ती है, तो ये यूनिट लेबलिंग एंड पैकिंग का है। यहाँ पे पैकेट लगाए यहाँ से ऑन करें यहाँ से पैकेट लगाए यहाँ से पैक करने के लिए आते हैं आती है फिर यहाँ में यहाँ से क्रेट में डाल दो। अच्छा क्रेट में इस तरह से हल्दी पैक होती है। और ये कौन कौन सी पैकिंग ये पौधा पैक होता है यहाँ हल्दी पैक होती है। यहाँ पे रेड राइस और राजमा पैकिंग ये कि चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को। जी हाँ चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिन मेहनत के यहाँ तो एक जर्रा भी नहीं हिल सकता। संघर्ष ही दिलाता है कि इंसान को मुकाम उसका, कि संघर्ष ही दिलाता है कि इंसान को मुकाम उसका, बिन मेहनत के तो कोई फल मिल नहीं सकता। नमस्कार मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। माय सेल्फ रिंपल मेहता, मैं RLC प्रगति नगर से हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ एप्पल यूनिट के बारे में। यहाँ पे एप्पल चिप्स बनते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे पहले एप्पल वॉश करेंगे। एप्पल वॉश करने के लिए सबसे हम यहाँ पे नलका खोलेंगे, इसमें ओजोन परत आती है जो हमारे बैक्टीरिया या कीटाणु को मार देती है। हम उसमें 5 से 10 मिनट तक इसको रखते हैं एंड वहाँ से निकाल के हम क्रेट में लेके जाएंगे और उस वाली मशीन में जाते हैं। यहाँ आ जाएंगे जैसे हम इस मशीन में आएंगे, हम इसमें एप्पल डालेंगे और हमारे पास यहाँ पे एप्पल चिप्स बनना शुरू हो जाएंगे। एप्पल चिप्स बनना शुरू हो जाते हैं तो हम क्रेट से मैनुअली ही उसे निकालते हैं। जैसे मैनुअली हम निकालेंगे यहाँ पे रखते हैं, बाहर से ट्रॉली एक जैसे मतलब यहाँ लिखी है ये ट्रॉली लेके आएंगे और ट्रॉली को हम मैनुअली हाथ से उसमें डालेंगे और जैसे ही ट्रॉली हमारे पास भर जाती है हम उसे ड्रायर में लेके जाते हैं। मैं आपको ड्रायर दिखाना चाहती हूँ। चलिए ये हमारे पास ट्रॉलियाँ रहती है, ये हमने फिर हम इसे ड्रायर में डालते हैं। ये हमारे पास ड्रायर रहता है, इसमें जो भी मतलब हम मटेरियल डालते हैं वो ड्रायर में डालेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सूख के आ चुका है। ये हमारे पास उड़द की दाल जो होती है उसके बनाए गए हैं, ये बढ़िया बने लाइक जैसे न्यूट्री होती है उसी टाइप की बनी है। यहाँ से सुखाने के बाद हम उसे उस वहीं पर वापस लेके जाएंगे। ड्रायर से लाने के बाद हम उसे पैक करेंगे। जैसे ये डब्बा है ये देखिए एप्पल चिप्स का डब्बा है, इसको इसमें डालेंगे और यहाँ पे हम इसे जैसे ही इसे रख देते हैं ये सील हो जाएगा। सील होने के बाद ये खुलेगा नहीं। इस तरीके से हमारे एप्पल चिप्स तैयार होते हैं। और ये हमारे पास ऑफ है, ये लाइक बेकरी है मतलब कि बिस्किट हो गया केक हो गया पेस्ट्री हो गया ये उसके लिए यूज़ होता है। ये हमारे मतलब जैसे एप्पल ख़राब हो जाते हैं, एप्पल चिप्स सुखा के लाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास ये वाली मशीन है, नाइट्रोजन डालेंगे और वो पैक हो जाएगा। ये हमारे पास बढ़िया बना बन के तैयार हुई है, सारी मात्रा बढ़िया बनी हुई है, बड़ी न्यूट्री जो मतलब माश वाली बढ़िया हो, माश की बढ़िया। ये हमारा ऑयल यूनिट है, ये हमारे पास कोल्हू है मतलब इसमें हम कोकोनट ऑयल, सरसों ऑयल एंड चुल्ली ऑयल हम तीनों ऑयल से निकाल सकते हैं। हम जैसे यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालने के बाद हम इस यहाँ पर जाते हैं। ये वाली मशीन हमारे पास फिल्टर मशीन है, ये देखिए ये हमारे पास आया हुआ है जैसे ये तेल निकला हुआ है। अब हम इसे डालेंगे, इसे फिल्टर होके आएगा और बकेट में जैसे ही हम उसे डालते हैं फिर यहाँ से हम उसे निकालेंगे और फिर यहाँ से निकालेंगे। हम पहले इसमें सेटिंग करेंगे, जैसे हम सेटिंग करते हैं मतलब 1/2 लीटर 1 लीटर बॉटल होती है, यहाँ से सिंपली प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे बॉटल हमारे पास भर के आ जाएंगे। ये हमारे पास बॉटल की जार रहती है, ये ऑयल जार है, ये जार है, इसको जैसे ही हम ढक्कन लगाते हैं ये ऑटोमेटिकली सील हो जाएगा। जैसे सील होगा इसको हम खोल नहीं सकते, उसके बाद में खुलेगा नहीं मतलब बहुत। थैंक यू सो मच। गर्व है डिस्ट्रिक्ट शिमला की महिलाओं पर
जो इस प्रकार का कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि किन्नौर में नहीं कर रही है, किन्नौर में SHGs बने हैं, VO बने हैं और CLF भी बना है और बहुत जल्द हम भी DLF बनाएंगे और इस प्रकार का कार्य करेंगे। लेकिन बात है डिस्ट्रिक्ट शिमला की महिलाओं की, तो वाकई गर्व है आप पर और धन्यवाद है NRLM का, HPSRLM का, जिन्होंने महिलाओं को इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपनी टैलेंट को, अपनी कला को दिखा सके और अपनी आजीविका को बढ़ा सके, आजीविका को कमा कर न केवल वो अपनी बल्कि अपनी पारिवारिक आय को भी बढ़ा सके, अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार कर सके। तो चलिए वीडियो को यहाँ दी एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।